तो पहला लॉ किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास बहुत सारी बॉडीज हैं, चाहे वो कैसी भी बॉडीज हैं, चाहे वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी भी है, एट अ गिवन टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर पे वो अपने अंदर से एनर्जी को एमिट तो करेगी करेगी। तो मान लो वन नंबर बॉडी है, वन नंबर बॉडी की एमिसिव पावर जो भी होगी, उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर जो भी होगी, उसका रेशियो निकाल लेना। फिर बॉडी नंबर टू भी सेम टेम्परेचर पे लेना, उसकी एमिसिव पावर एब्जॉर्प्टिव पावर लेना, रेशियो सेम आएगी। बॉडी नंबर थ्री सेम टेम्परेचर पे लेना, एमिसिव एब्जॉर्प्टिव पावर की रेशियो सेम आएगी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी लेना, उसकी एमिसिव एब्जॉर्प्टिव पावर सेम आएगी। तो किसी भी बॉडी की एट अ गिवन टेम्परेचर एमिसिव एंड एब्जॉर्प्टिव पावर की रेशियो विल रिमेन सेम, सेम ही आएगी। एक चीज और बता देता हूँ, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के बीच में कन्फ्यूजन रहती है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी में एक तरफ मैं कहता हूँ कि वो सिर्फ एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, तो एमिट कैसे कर रही है, एमिसिव पावर कैसे होगी? तो ये एक सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। नो डाउट परफेक्टली ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब ही करेगी, पर अगर हम उसको अलाउ करें कि वो एमिट भी करे तो उसकी कोई एमिसिव पावर भी होगी। तो उस केस में ये रेशियो ली जाती है कि अगर उसको अलाउ कर दिया जाए कि अब तो एमिट भी कर, तो ये रेशियो उसके लिए भी एग्जैक्टली क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी कि किसी भी बॉडी के लिए स्मॉल ई बाई स्मॉल ए का रेशियो सेम रहेगा एंड विच इज इक्वल टू परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी का स्मॉल ई को क्या लिखा जाता है, बड़ा ई, और ए नॉर्मली क्या रहता है, वन। तो इसीलिए ये रूल ये कहता है फॉर एनी बॉडी फॉर अ गिवन वेवलेंथ, ई बाई ए की रेशियो किसी भी सरफेस के लिए कॉन्स्टेंट है, यानी कि ई इज प्रपोर्शनल टू ए। तो किसी भी बॉडी की एमिसिव पावर उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर के प्रपोर्शनल होगी। इसका मतलब गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे वो एमिट भी ज्यादा करेंगे। ये किरचॉफ लॉ आपको ये बताता है, दैट्स इट। तो किरचॉफ लॉ की स्टेटमेंट यही है, इट स्टेट्स दैट फॉर अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम रखना है सभी बॉडीज का, द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर कॉरस्पॉन्डिंग टू अ सर्टन वेवलेंथ इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल बॉडीज एंड इज इक्वल टू एमिसिव पावर फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर।